उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुर इलाके के B1 यमुना बिहार में कंसल्टेंट से बाइक सवार बदमाश पिस्टल के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सारी वारदात रोड पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये सारा मामला सुबह करीब 7:30 बजे का है, जब प्रदीप जैन अपने घर C9 यमुना बिहार से B1 यमुना बिहार हैप्पी स्टोर से स्कूटी पर दूध लेने गए थे, तो उनके साथ जो हुआ उसे आप खुद CCTV में कैद इन तस्वीरों में देख लीजिए। सरेआम चलती पब्लिक के बीच बदमाश किस तरह से युवक को लूट रहे हैं। एक बदमाश पल्सर बाइक पर पीड़ित की सफेद स्कूटी के पास खड़ा है और दूसरा हेलमेट लगाए पीछे खड़ा है। अब प्रदीप जैन दूध लेकर स्कूटी के पास पहुंचे। अब जो होगा उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतनी भीड़ में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। गौर से देखिए, सड़क पर पब्लिक चल रही है और बदमाश बेखौफ अपनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। स्कूटी लेकर प्रदीप जैन जैसे चले, बदमाश ने पल्सर आगे लगाकर पिस्टल दिखाकर सोने का कड़ा और अंगूठी उतरवा ली। इस दौरान दुकानदार बाहर आता है तो बदमाश उसकी तरफ पिस्टल दिखा देता है और वह डरकर अंदर चला जाता है। सब कुछ इशारों में ही हो गया और बदमाश आराम से वारदात को अंजाम देकर बाइक पर बैठ फरार हो गए। सुबह में घर से 7:30 बजे आज दूध लेने के लिए निकला तो एक पल्सर बाइक पे दो लड़के जैसे दूध लेके निकला तो मुझे कवर किया। पल्सर बाइक पे और गन पॉइंट पे 3 अंगूठियाँ और एक सोने का कड़ा, वो सब लूट लिया और दोनों के पास गन थी और मुझे बहुत डराया धमकाया और वो तीनों अंगूठियाँ और सोने का कड़ा लूट के ले गए। यमुना विहार की ये वारदात है सुबह 7:30 बजे। लोगों की माने तो ये कोई पहला मामला नहीं है। यमुना बिहार में अक्सर कर सुबह पार्कों में टहलने जाने वालों के साथ पहले भी इस तरह की वारदातें हुई हैं। अब देखना होगा कि पुलिस CCTV की मदद से कब तक इन लुटेरों को गिरफ्तार करती है। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।